नमस्कार सबकी नजर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्याम शंकर पांडे, आप देख रहे हैं सबकी नजर समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। पूरा देश लॉकडाउन चल रहा है, जो जहां पर है जैसा भी है अपने घरों में दुबका पड़ा हुआ है। ऐसे में डेली खाने डेली कमाने वालों के सामने अब पेट पालने की चिंता सताने लगी है। वहीं उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मुगराबाद शाहपुर के जंघई रोड स्थित गुरुकुल विद्यालय में सीता रसोई चलाई जा रही है, ताकि क्षेत्र का कोई भी गरीब असहाय भूखा पेट ना सोने पाए। यह सीता रसोई मुगराबाद शाहपुर के व्यापारियों, कोचिंग संस्थानों, विद्यालय के प्रबंधकों के सहयोग से नियमित रूप से चल रही है। सीता रसोई में भोजन बनाकर क्षेत्र के गरीब असहाय लोगों में नियमित पैकेट बनाकर वितरित किया जाता है। भोजन के संचालक विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री एवं गुरुकुल विद्यालय के प्रबंधक विशंबर दुबे ने बताया कि नगर पालिका परिषद मुगराबाद शाहपुर के चेयरमैन श्री गोविंद साहू एवं नगर के व्यापारियों से सहयोग हासिल करके चलाया जा रहा है। पेश है सर्वेश तिवारी की खास रिपोर्ट। इस समय हम खड़े हैं गुरुकुल पब्लिक स्कूल जंघई रोड मुगराबाद शाहपुर जौनपुर में, जहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे किस तरीके से सीता रसोई का कार्य चल रहा है। कारीगर खाना बना रहे हैं, आप कारीगर किस तरीके से खाना बना रहे हैं और सामान्य दूरी बना करके। मेरे बीच में खड़े हैं विशंबर दुबे, जो विहिप नेता हैं, जिला मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के, और इस समय जो गुरुकुल पब्लिक स्कूल है उसको आप प्रोपराइटर भी हैं, प्रबंधक भी हैं। आइए आपसे बात करते हैं दुबे जी। जी, कब से चल रही है सीता रसोई? 7 दिन से चल रही है अनवरत, और आज 8वां दिन है सीता रसोई का। प्रतिदिन यहाँ पर असहाय लोगों के बीच में भोजन वितरित करने के लिए यह सीता रसोई चलाई गई है। पूरे नगर वासियों के जो व्यापारी भाई हैं उनके आर्थिक सहयोग से यह सीता रसोई चलानी संभव हो पाई है। हमारे विश्वंदु परिषद के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। करीब 25 से 30 कार्यकर्ता प्रतिदिन भोजन बनाने में सहयोग करते हैं, और विश्वामित्र जी नगर के चेयरमैन श्री गोविंद साहू जी का बहुत बड़ा योगदान है इसको चलवाने में। इन्हीं लोगों की परिकल्पना से ही यह साकार हो पाई है सीता रसोई। जो बांटने का कार्य चल रहा है, भोजन बांटने का, वितरित करने का, कहाँ कहाँ वितरित कर रहे हैं आप? हम अधिकतर वनवासी बस्तियों में ही जाकर भोजन वितरित करते हैं, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा आवश्यकता उन्हीं को है, वनवासी बस्तियों में। और जो अन्य प्रांतों से लोग सड़कों पर पैदल चल चल के आ रहे थे, 3 दिनों तक यह क्रम टूटा नहीं। 3 दिनों तक हमें सड़कों पर सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में लोग मिले हैं। दोनों बॉर्डर, एक तो हमारा मुगराबाद शाहपुर प्रतापगढ़ जिले का बॉर्डर है और दूसरा ये इलाहाबाद का बॉर्डर है। बॉर्डर के आसपास से हमारी वाहन जाया करती थी, जिसमें जितने भी लोग मिले सड़कों पर टहलते हुए, क्योंकि वे भूखे प्यासे थे, उनको भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, दुकानें भी नहीं खुली हैं, नाश्ते की भी दुकानें नहीं हैं। ये सारी समस्याओं को देखते हुए सीता रसोई के माध्यम से उनको प्रतिदिन भोजन कराया गया, और इसके बाद अब जो है हम वनवासी बस्तियों में भोजन को बनवा के लंच पैकेट के रूप में ले जाते हैं और उनके बीच वितरित करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का हम विशेष ध्यान रखते हैं, ताकि इस महामारी से लोगों को बचाया जा सके, और विश्वंदु परिषद की तरफ से फेस मास्क और सैनिटाइजर भी उन लोगों में बांटा जाए। जैसा भी आप देख रहे हैं किस तरीके से विशंबर दुबे जो विहिप नेता हैं, उन्होंने बताया कि हमारा जो मिशन है निहायत गरीब जो वनवासी लोग हैं उनके बीच में जा करके हम भोजन सामग्री को वितरित करते हैं। जिलाधिकारी जौनपुर उनका भी उनकी भी मंशा है कि जो निहायत गरीब लोग हैं कोई भी गरीब भूखा पेट ना सोने पाए। आइए बात करते हैं व्यापारी नेता विश्वामित्र जी से। आइए बात करते हैं विश्वामित्र। एक संकल्पना, जब लॉकडाउन किया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो देश के जितने भी लोग भूखे प्यासे मजदूर वर्ग, जो मजदूर वर्ग था जिनकी वजह जो जिनकी रोज की कमाई थी, उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की संकल्पना की गई। हमारे नगर पालिका अध्यक्ष शिव गोविंद जी और मैं स्वयं, दीपक शुक्ला जी, विशंबर दुबे जी एवं मनोज कुमार सराफ व्यापारी, उनके द्वारा हम लोगों ने लोगों से सहयोग लेने के लिए उनसे उनके पास गए, और एक बड़ी सहयोग राशि के रूप में हमें लोगों ने सहयोग दिया, जिसमें हमारे यहाँ के कोचिंग सेंटर, शिक्षण संस्थान, तमाम व्यापारी
राजनीतिक पत्रकार सभी लोगों ने हमारा सहयोग किया और आज ये सीधा रसोई के रूप में बिशंबर दुबे जी के नेतृत्व में जो ये बहुत सुंदर सा काम चल रहा है, इसमें हम लोग चिन्हित भी करते हैं कि कहीं गरीब अगर कोई पात्र अगर हमको लोग सूचना देते हैं तो उन तक भी भोजन पहुँचाने का काम किया जाता है, बनवासी बस्तियों में, गरीब मजदूर वाली बस्तियों में, नगर क्षेत्र में भी। आगे हम लोगों ने प्लान है कि कुछ लोग जिन्हें अन्न की जरूरत होगी उन्हें अन्न का पैकेट भी देने का प्लान है और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, अभी तो सरकार द्वारा दिया गया है, जरूरत पड़ने पे हम भी उन्हें प्रदान करेंगे। यही निवेदन के साथ में आगे लगातार चल रहा। गुरुकुल पब्लिक स्कूल जंघई रोड मुगराबाद शाहपुर में, आपने देखा किस तरीके से बिशंभर दुबे और विश्वामित्र ने बताया कि लगातार 7 दिन से सीता रसोई चल रही है और क्षेत्र के जो निहायत गरीब वनवासी लोग हैं उनके बीच में जाकर उन्हें चिन्हित करके उनमें भोजन वितरण किया जा रहा है। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं सस पांडे, मुगराबाद शाहपुर, जौनपुर।